वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी माइक्रो कंट्रोलर किट के बारे में जो कि आप 2-in-1 बोल सकते हो। ये किट आप सिंगल फेस के वोल्टेज स्टेबिलाइजर में भी यूज कर सकते हो और डबल फेस के वोल्टेज स्टेबिलाइजर में भी आप इसे यूज कर सकते हो। इसमें आपको 5 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 5 रिले कंट्रोल कर लेगी। तो इसका सिस्टम आपको बता दें, इसमें आप 4 ऑपरेटिंग रिले यूज कर सकते हैं और एक टाइमर और हाई कट के रिले यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर सिंगल फेस में आप यूज कर रहे हो तो 60 वोल्ट के स्टेबिलाइजर आमतौर पर 60 वोल्ट इनपुट से बने हुए स्टेबिलाइजर आमतौर पर 4 रिले में होते हैं। तो 4 रिले तो इसकी कंट्रोलिंग रिले ऑपरेट होंगी और 1 रिले टाइमर और हाई कट आपका वर्क करेगा। और इसे आप अगर डबल फेस के स्टेबिलाइजर में यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी सिस्टम सेम वही रहेगा, 4 ऑपरेटिंग रिले और 1 टाइमर और हाई कट की रिले। इसे हम ऑपरेट करने के लिए इसे हम इनपुट वोल्ट देंगे। देखिए इनपुट वोल्टेज इसमें लिखा हुआ है 22 वोल्ट, यानी हम इसे 20 से लेकर 22 वोल्ट के बीच में दे सकते हैं। और इस सर्किट पे हम सारी रिले 24 वोल्ट की यूज करेंगे, यानी जो रिले हम इसमें यूज करेंगे वो सब 24 वोल्ट की होनी चाहिए। इसे कनेक्शन आपको बता देते हैं। ये देखिए कनेक्शन इसके बहुत आसान है। ये तो देखिए आपका इनपुट सप्लाई आ जाएगी 22 वोल्ट जो कि ट्रांसफार्मर से निकल जाएगी। 20 से लेकर 22 वोल्ट आप यूज कर सकते हैं। और ये रिले के कनेक्शन आ गए। रिले का देखिए कॉमन वाला पॉइंट, यानी जितने रिले हैं सबका एक कॉमन पॉइंट निकलेगा। रिले की कॉइल पर से कॉमन वायर निकलेगा वो यहां पर आ जाएगा। और देखिए R3 R2 R1 आउटपुट एंड कट। तो ये जो यहां पर हम कनेक्शन करेंगे, हम आउटपुट वाली रिले का कनेक्शन करेंगे, यानी जो टाइमर वाली रिले होती है हमारी जिससे हम टाइमर और हाई कट के लिए यूज करेंगे उसका कनेक्शन यहां पर आएगा। यहां पर आउटपुट रिले का, यानी जो रिले हम आउटपुट बनाएंगे वो R1 यानी इनपुट रिले, R2 यानी इनपुट 2, R3 यानी इनपुट 3। ये इस तरीके से इसके कनेक्शन हो जाएंगे। और अब आप उसको अब आपको बताते हैं कि किस तरह अच्छा ये थोड़ा ये जैक के कनेक्शन है, ये भी समझा देते हैं आपको। ये देखिए ये जो जैक है ये स्विच का जैक है, यानी अगर आप इसे टाइमर के तौर पे यूज करना चाहें, टाइमर को रिसेट स्विच लगाना चाहें ताकि टाइमर जल्दी ऑन हो जाए, तो हम ये यहां से इस जैक का कनेक्शन दे देंगे स्विच पर। और इसके अलावा ये जो दूसरा जैक है ये LED जैक है, तो यहां पर LED कनेक्शन होंगे। तो ये तो आसान है। अब आपको सर्किट स्टेबिलाइजर में फिट करके चलाकर बताते हैं। डबल फेस के स्टेबिलाइजर में सर्किट एक लगा रखा है, उसका फंक्शन आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे सामने वोल्टेज स्टेबिलाइजर रखा हुआ है, डबल फेस का वोल्टेज स्टेबिलाइजर है। आप इसके वोल्टमीटर में देख सकते हैं 500 वोल्ट का इसमें रीडिंग दे रखी है। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। ये देखिए ये आउटपुट अभी नहीं दिखा रहा है, अभी केवल इनपुट शो कर रहा है क्योंकि अभी इसका टाइमर ऑन नहीं हुआ है। तो टाइमर से ऑन करते हैं। ये देखिए टाइमर इसका ऑन हो गया। अब इसके फंक्शंस भी आप देख लीजिए। ये देखिए 200 एंड 250 के बीच में वर्क कर रहा है। अब आपको इसके इनपुट वोल्टेज दिखा देते हैं। ये देखिए इनपुट वोल्टेज 440। ये देखिए अब आपको इसे अंदर से सर्किट की साइड से दिखाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखिए और एक वोल्ट मीटर, ये देखिए हमने आउटपुट पर लगा रखा है, इससे आपको आउटपुट दिखने में आसानी रहेगी। और सर्किट हमने ये कनेक्शन इसके कर रखे हैं, आपको बताया था कि किस तरीके से सर्किट के कनेक्शन होंगे। तो फिर से एक बार फिर से आपको बताते हैं। ये देखिए रिसेट क्विक स्टार्ट के लिए अब आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। दोस्तों ये बहुत अच्छा सर्किट है और बहुत सक्सेस सर्किट है, इसे आप सिंगल फेस और डबल फेस दोनों में यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि आप इसमें सारी रिले 24 वोल्ट की यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें एक रिले 12 वोल्ट की लगाना पड़े। और इसके फंक्शन बहुत अच्छे आते हैं। और सिंगल फेस में आप इसे 60 वोल्ट के स्टेबिलाइजर में यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमें देखिए किसी प्रकार का कोई भी 909 या फिर छोटे ट्रांसफार्मर यूज नहीं करना पड़ता है। ये बहुत बेनिफिशियल सर्किट है।